एडवांस पॉइंट के मोजेस दोस्तों, मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इमरान खान की मेहनतें रंग ले आई हैं। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान ने कमाल महारत से भारत की गर्दन दबोच ली है। अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो रूस पाकिस्तान का साथ देगा। रूस के इस बयान से भारत में शोक छा गया है। पाकिस्तान के आम दफाई मुआदों ने भारतीय वज़ारा की दौड़े लगा दी हैं। सवाल ये है कि रूस पाकिस्तान को कौन से आम हथियार देने का फैसला कर चुका है। क्या रूस पाकिस्तान को जदीद तरीन S-500 निज़ाम देने जा रहा है। आज हम आपको पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में आगाही देंगे। ये भी बताएंगे कि इन खुशगवार ताल्लुकात से आने वाले दिनों में खित्ते में क्या असर पड़ेगा। मोदी ने पसे पर्दा कौन सा नया खेल शुरू कर दिया है। ये सब कुछ जानने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के अहम हिस्से की जानिब। नाज़रीन-ए-गिरामी, आलमी सूरतेहाल इंतहाई खतरनाक और दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। रूस, जिसे दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत कहा जाता है, इसने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को जदीद मिसाइल सिस्टम S-400 देने का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान के लिए रूस के हथियारों के दरवाजे खुल चुके हैं। जबकि पाकिस्तान रूस को गर्म पानियों तक रसाई देगा, ये इंतहाई अहम खबर है कि भारत की जानिब से किसी भी जहारियत की सूरत में रूस भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ देगा। दूसरी जानिब अरब ममालिक के पाकिस्तान से मुंह फेरने के बाद रूस पाकिस्तान को CNG मुहैया करेगा, जिसके लिए एक लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान समंदर के जरिए तजारत में इजाफा देखने को मिलेगा। रूस के पाकिस्तान के साथ इन मुआहदों पर भारत ही नहीं बल्कि अरब ममालिक में भी मातम हो रहा है। सऊदी अरब ये ख्याल करता था कि पाकिस्तान दबाव में आकर इनके मुतालबात मान लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने रूस के साथ मुआहदे करके सऊदी अरब को भी बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। रूस की जानिब से पाकिस्तान को जदीद हथियार देने पर भारत एक बार फिर अमेरिका के घुटनों में जा बैठा है। नाज़रीन-ए-गिरामी, दुनिया की दो सुपर पावर चीन और रूस पाकिस्तान की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। बदलती आलमी सूरत हाल के साथ दोनों ममालिक को पाकिस्तान की सख्त जरूरत महसूस होने लगी है। चीन और रूस दोनों को पाकिस्तान से आबी गुजरगाह दरकार है, जिसके बदले में पाकिस्तान इन ममालिक से हथियारों की डिमांड कर चुका है। और यही वजह है अब मोदी सरकार की नींदें उड़ चुकी हैं। पूरी दुनिया में एक चीज ने हलचल मचा रखी है, वो ये है कि रूसी साख्ता S-400। भारत रूस से ये निज़ाम खरीदने में कोशिश भी कर चुका है, जिससे अमेरिका ने भारत पर यह दबाव भी डाला कि भारत रूस से S-400 ना ले। हालिया दिनों में तुर्की पर भी अमेरिका ने इसलिए पाबंदियां लगाई क्योंकि तुर्की भी रूस से S-400 सिस्टम खरीदने जा रहा है। ये दुनिया का बेहतरीन मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम है, जो कि अमेरिका के किसी भी आने वाले मिसाइल को फिजा ही में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और टारगेट तक पहुँचने से पहले ही तबाह कर देगा। यही वजह है कि अमेरिका दुनिया के तमाम ममालिक को इस दिफाई निजाम से दूर करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की खुदकिस्मती ये है कि रूस ने पाकिस्तान को यह दिफाई निजाम देने का ऐलान कर दिया है। रूसी साख्ता S-400 मिसाइलों को 400 किलोमीटर के फासले तक ही अपने हदाफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देता है। 2700 किलोमीटर की बुलंदी पर प्रवास करने वाले तैयारे भी इसकी रेंज में होते हैं। रूस ने यह दिफाई सिस्टम सन 2017 में मुतारिफ करवाया था। इस मिसाइल सिस्टम की खास बात यह है, ये एक मोबाइल सिस्टम है, यानी गाड़ी के जरिए किसी भी इलाका में पहुंचाया जा सकता है। और एक ये कि ये कई मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। रूसी फौज ने इन्हें शाम में तैनात कर रखा है। ये सिस्टम तवील फासले तक निगरानी के लिए रिडार पर नजर रखता है और कमांडर व्हीकल तक मालूमात को फराहम करता है। ये कमांडर व्हीकल मुमकिन हदाफ का जायजा लेती है, हदाफ को पहचान कर कमांडर व्हीकल काम करने का हुक्म देती है। मिसाइल लॉन्च करने के लिए एक ऐसे व्हीकल का इंतखाब किया जाता है जो सबसे बेहतरीन मकाम पर मौजूद हो, जबकि इसका रिडार सिस्टम इन मिसाइलों को हदाफ तक पहुंचने में मदद देता है। नाज़रीन मोहतरम, इस दिफाई निजाम को रूस की सरकारी सतह पर असला साज कंपनी बना रही है। रूस की इस कंपनी पर अमेरिका ने काफी पाबंदियाँ भी लगाई हुई है, लेकिन इस कंपनी ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर दिया है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। S-400 जंगी हथियारों, क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक ये दिफाई निजाम फ्रांस और अमेरिका के तैयार करदा दिफाई निजाम सिस्टम से कई गुना बेहतर है। बरतानवी माहरीन के मुताबिक रूस का ये मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पेंट्रियाट मिसाइल सिस्टम से बेहतर है, क्योंकि S-400 एक लचकदार निजाम है। इसमें कई तरह के मिसाइल रॉकेट दागे जा सकते हैं।
यानी इससे जंगी मैदान के बाहर भी बहुत से फायदे लिए जा सकते हैं। और ये निजाम अमेरिकी पेंट्रियाट से 2 गुना सस्ता है। तुर्की ने ये रूसी दिफाई निजाम 2.5 अरब डॉलर में खरीदा है। तुर्की के इस अहम फैसले के पीछे कई सियासी बातें भी हैं। मिसाल के तौर पर तुर्क हुकूमत ये समझती है कि ये मिसाइल सिस्टम अमेरिकी जहाजों का मुकाबला करने के लिए तैयार किए गए हैं। भारत ने भी रूस से 5 अरब डॉलर का मुआयदा कर रखा है, लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भारत को ये मिसाइल सिस्टम नहीं मिलने वाला, और मुमकिन है कि रूस भारत को S-400 देने से इनकार कर दी। जबकि दूसरी जानब कई दूसरे ममालिक भी रूसी दिफाई निजाम को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की वजह से रूस ने पाकिस्तान को S-400 देने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम खबर के मुताबिक रूस इस दिफाई निजाम की अगली नस्ल यानी S-500 को भी तैयार कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक रवां साल यानी 2021 में इससे भी पर्दा उठा दिया जाएगा। रूसी उकाम के मुताबिक S-500 की रेंज S-400 से कई गुना ज्यादा होगी और वो खिला में गर्दिश करने वाले मस्नूई सियारों तक को भी मार गिराने की सलाहियत रखता होगा। तुर्की इस नए रूसी दिफाई मिसाइल सिस्टम की तैयारी में भी रूस के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब चूंकि रूस असले की दौड़ में अमेरिका से कई गुना आगे है, इसलिए पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होने वाला है। ताहम जंगी अमूर के माहिरीन दिफाई निजाम के हवाले से खबरदार भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि शाम में इस दिफाई निजाम सिस्टम की तैनाती के बावजूद किसी भी जंग में इसका तजुर्बा नहीं किया गया। दोस्तों, सन 2018 में अमेरिका ने शाम में मुहतद ठिकानों को तोमाहॉक क्रूज मिसाइल से निशाना भी बनाया था। इस वक्त रूस इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन सदर प्यूटन ने ऐसा करने से गुरेज किया। दूसरी जनम अमेरिका ने पेंट्रियाट दिफाई निजाम को 1991 में इस्तेमाल किया था। दोस्तों, बात को समेटने की कोशिश करते हैं। फाइनली रूस ने S-400 पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। ये भी आप जान चुके हैं कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि रूस को गर्म पानियों तक रिसाई चाहिए थी और वो वाहिद हल पाकिस्तान था। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने बेहतरीन सफारतकारी का मुजाहरा करते हुए रूस से S-400 मांग लिया है। लेकिन दोस्तों, मेन बात तो तब पता चलेगी जब ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में मुंतकिल होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।